कुर्सी लूटो और कुर्सी बचाओ का खेल कर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी ने निशाना साधा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया जिसकी तारीफ अब कांग्रेस खुद भी कर रही है। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत को सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं बताया बल्कि दोस्ती का फर्ज भी अदा किया। पीएम मोदी ने मंच से ऐसा उदाहरण पेश किया कि चारों तरफ इसकी तारीफ हो रही है। राजस्थान के नाथद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इस अवसर पर पीएम मोदी, अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मंच पर मौजूद थे। जैसे ही गहलोत अपने भाषण के लिए उठे तो जनता मोदी मोदी के लारे लगाने लगी। तब मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंच पर गहलोत अपने संबोधन के लिए कुर्सी से उठे ही थे कि मोदी मोदी के नारे लगने लगे। गहलोत के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाने वालों को शांत रहने को कहा। मंच से दोनों हाथों से जनता को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लोग शांत नहीं हुए तो पीएम मोदी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर इशारा किया। प्रधानमंत्री का इशारा मिलते ही सीपी जोशी मंच पर खड़े हुए और जनता से शांत रहने की अपील की। इधर मोदी के इस अंदाज को देखकर गहलोत भी सहज दिखे और अपना संबोधन जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंचे थे। पिछले 7 महीने में ये उनका 5वां दौरा था और इससे पहले वे 30 सितंबर 2022 को आबू रोड आए थे और तब उन्होंने देरी की वजह से फिर आने का वादा किया था और इसके बाद वो 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम और 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के आसिंद पहुंचे थे। आसिंद में देवनारायण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जबकि 12 फरवरी को दौसा में आयोजित विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में वे पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।